हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संडे की आने में। अपने कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछे थे, उनका आज मैं जवाब देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है फेसबुक कलेक्शन का। इनका सवाल ये कि सर, मैंने अभी वीवो V23 प्रो लिया है यूट्यूब के लिए, प्लीज़ आप बुक के इफेक्ट पर डिटेल्स वीडियो बनाओ। तो देखो मेरे भाई, बुक के इफेक्ट पे डिटेल्स वीडियो शायद मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि वो फ़ोन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। और आपको इसके फीचर्स वगैरह जानना है, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या कुछ नहीं, तो अबाउट में मेरा फ़ोन नंबर भी आप डायरेक्टली वहीं पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहीं पे थोड़ा बहुत गाइड करूँगा। तो आपको एक पता चल जाएगा कि इससे कैसे वीडियो शूट करना है, और किस तरीके से इसके अंदर आप अच्छे वाला वीडियो क्वालिटी जो प्राप्त कर पाओगे। तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, और अबाउट में मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो आप डायरेक्टली वहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है सचिन कुमार का। इनका सवाल ये कि सर, सैमसंग M12 को सॉफ्टवेयर अपडेट करने से डिलीट क्या क्या होता है, प्लीज़ रिप्लाई सर बताओ। तो देखो मेरे भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से सिर्फ आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है, आपका डेटा जो पूरी तरह से सेफ होता है, यानी कि आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता, ओनली मोबाइल का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है। तो आप बेफिक्र होकर इसको अपडेट कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपका कोई भी डेटा, फोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट कुछ भी डिलीट नहीं होने वाला। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है राजन राणा का। इनका सवाल ये कि नोट नेट स्लो चल रहा है क्या। तो देखो मेरे भाई, मेरा तो नेट जो स्लो नहीं चल रहा है, होता है कि आपके पास कोई कंपनी का सिम कार्ड है और उसके अंदर आपको डेटा जो स्लो नज़र आता होगा, यानी कि मैं YouTube पे जब वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप जब भी व्यूवर्स जो है वो देखते हैं, तो उनके डेटा पे डिपेंड करता है कि उनका नेट किस तरीके से आ रहा है। मेरा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा नेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से आपको वीडियोस जो वो अच्छे से नहीं दिखता या कुछ, बट मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है YT शुभम चौधरी का। इनका सवाल ये कि सर, प्लीज़ वीडियो बनाने के लिए कोई अच्छा सा फ़ोन बता दीजिएगा। तो देखो मेरे भाई, अभी आपको वीडियो शूट करना है तो iPhone वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन होता है, इसका कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी होती है। अदरवाइज आपको एंड्रॉयड के अंदर जाना है तो कोई भी आप वीवो का डिवाइस ले सकते हो, जो कि 30K के ऊपर की रेंज का हो, वो वाला फ़ोन आप ले सकते हो, उसका कैमरा क्वालिटी भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी होती है। फिलहाल ये जो वीडियो देख रहे हो, वो भी मैंने वीवो V20 से शूट किया है, तो आप इसका कैमरा क्वालिटी देख ही सकते हो कि वीवो का कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों बात करते हैं पे अगले सवाल की। जहाँ पे अगला सवाल है गौरी यादव का। इनका सवाल ये कि भाई, ये डेटा वापस तो कोई रिकवर नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने न्यू फ़ोन ले लिया, तो कोई मिसयूज़ ना कर ले। तो देखो दीदी, आपका डेटा जो है पूरी तरह से डिलीट फॉर्मेट हो चुका है, इसको कोई भी रिकवर नहीं कर सकता, यानी कि आप पूरी तरह से सेफ हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये डेटा चाह के भी कोई वापस नहीं ला सकता। और आपने अच्छा किया, फ़ोन बेचने से पहले इसको पूरा फॉर्मेट करके दिया, तो इसमें आप बेफिक्र हो के रहिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली डेटा को लेकर। तो दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है हरेश का। इनका सवाल ये कि ब्रदर जय श्री राम मेरे भाई। और यहाँ पे इनका सवाल ये कि सैमसंग गैलेक्सी A23 का डिस्प्ले परफॉर्मेंस, कैमरा, हीटिंग, लैगिंग, VS चार्जिंग टाइमिंग कैसा है, प्लीज़ सजेस्ट मी फॉर बाइंग। तो देखो मेरे भाई, आपको सैमसंग का A23 लेना है तो ले सकते हो, बट नॉर्मल यूज़र के लिए ले सकते हो तो ठीक है। आप अगर एक हेवी यूज़र्स हो तो शायद ये फ़ोन आपको इतना, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो शायद पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको सेटअप करने के बाद यूज़ किया था, तो ये थोड़ा बहुत मुझे लैगिंग का इशू फेस करना पड़ा था। और कैमरा क्वालिटी अच्छी है, बट मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी, हो सके तो आप चेक करके लेना, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में ये अवेलेबल है, तो आप सब कुछ चेक करके लेना, अगर आपको ठीक लगता है तो ले सकते हो। बट मुझे पर्सनली ये जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई, क्योंकि पहले से ही मैं सैमसंग के फ़ोन तो यूज़ करता ही नहीं हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं इसके बारे में ख़राब बोलूँ, लेकिन जब तक मैंने इसको यूज़ किया था तब तक मुझे लैगिंग थोड़ा बहुत हुआ था, जब तक मैंने इसको सेटअप किया था, यानी कि 20-25 एप्लीकेशन इसके अंदर मैं इंस्टॉल करता हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूँ, तो मुझे कुछ इतना मतलब सेटिस्फाइड नहीं था मैं उस फ़ोन से, तो मैंने फिर सेल कर दिया उस फ़ोन को। हो सके तो आपको अच्छा लग सकता है, अगर आपका यूजिंग नॉर्मल है तो इस फ़ोन को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है दीपांशु का। इनका सवाल ये कि किशु भाई, क्या कभी आपका फ़ोन हैक हुआ है क्या।
मेरा फ़ोन भी हैक हुआ था लेकिन कुछ इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट अभी ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मेरा फ़ोन लाइफ में कभी भी हैक नहीं हुआ क्योंकि मैं प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मेरे साथ ये पंगा कभी नहीं हुआ है। मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ हुआ था, बट सब कुछ फ़िलहाल नॉर्मल है, कुछ इतना मेजर इश्यू नहीं हुआ उसके बारे में भी। बट हैकिंग का प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। और आपका फ़ोन हैक हुआ होगा तो जो मिड रेंज फ़ोन आते हैं जिसके अंदर यूनिसॉक प्रोसेसर लगा होता है, यूनिसॉक का हाँ ऐसा ही कुछ चिपसेट आता है जो कि मिड रेंज फ़ोन होते हैं उसके अंदर, जो कि आपको मोटोरोला में भी अभी रिसेंटली हैकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो वो चाइना में बनता है तो कुछ कह नहीं सकते अब आपके पास कौन सा फ़ोन है, कब हैक हुआ था, क्या कुछ, बट वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके पास जो कुछ भी हुआ, बट अभी तो ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, मुझे वैसे पर्सनली कभी हैकिंग का मामला फेस करना नहीं पड़ा है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है सौरभ का, इनका सवाल ये कि भाई कोई बताओ वीवो V20 वर्सेस वीवो V20 प्रो दोनों में कौन सा बेस्ट है। तो कोई क्यों बताएगा, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। वीवो V20 प्रो ले लो, वो एक अच्छा डिवाइस है। आप कैमरा उसका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, आगे सेल्फी कैमरा ड्यूअल मिल जाता है और आपको डेली यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वीवो V20 प्रो के लिए आप जा सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे संडे Q&A के लाष्ट सवाल की। तो यहाँ पे लास्ट सवाल है भविष्य प्रजापति का, इनका सवाल ये कि भाई वीवो Y73 में पुराना अपडेट कैसे वापस लाया जा सकता है। तो देखो इसके अंदर पुराना वर्जन जो वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि वीवो नहीं चाहता कि आप ओल्ड वाला वर्जन यूज़ करो। हर एक कंपनी चाहती है कि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे बग्स होते हैं, उसके लिए हमें पुराना वर्जन पे यानी कि उसके अंदर डेली आदत हो चुकी है कि हमें यानी कि उस सॉफ्टवेयर को हमें यूज़ करना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है हमें, इसलिए पुराने पे वापस जाना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता, एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर लिया स्टेबल वर्जन तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संडे Q&A। आई होप कि आप लोगों ने जो जो सवाल पूछे थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और गाइस बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, वो थोड़ा बहुत हो सके तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वीडियो भी लेट आ रही है, 6:16 हो चुकी है, यानी कि 6:16 पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। पता नहीं कब एडिट करूँगा पोस्ट करूँगा, बट आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और प्रॉपरली अभी फ़िलहाल यूट्यूब सेटअप नहीं है क्योंकि घर का काम वगैरह चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत एवॉइड कीजिएगा। तो दोस्तों आपका भी कोई सवाल है तो हमारे किसी भी वीडियो पे आज के किसी लगा करके कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट संडे आपका भी कोई सवाल होगा तो पिक कर लेंगे। और एक बात फ्रेंड्स कि आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डायरेक्टली वहीं पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।